इंडिया में एशियन डिटेक्टर कंपनी किसी से भी मेटल डिटेक्टर नहीं खरीदता है। हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है नोक्ता, मैक्रो और फिशर कंपनी का। हम किसी से भी मेटल डिटेक्टर नहीं लेते हैं इंडिया में, डायरेक्ट कंपनी से, यानी जो भी कंपनी से हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से इंडिया में लेके आके इम्पोर्ट करके यहाँ से बेचते हैं। एक ने कस्टमर को बोला है कि एशियन डिटेक्टर हमारा से मेटल डिटेक्टर लेता है, हम ही उसको देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक कस्टमर से वो ऐसा बोल दिया है। और एक जियो हंटर मेटल डिटेक्टर को बुराई करने के लिए थोड़े फेक आईडीज क्रिएट करके वो 4-5 फीट से ज़्यादा डेप्थ नहीं जाता है, वो मत खरीदो करके एक ने ऐसा कमेंट भी कर रहा है फेक आईडी क्रिएट करके। आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, आपको पूरे के पूरा सच्चाई क्या है मालूम होता है। रियल फीडबैक आप जियो हंटर के बारे में देखिए। जी बताइए सर। अभी आवाज़ सुने आ रहा सर मेरा? हाँ बिल्कुल क्लियर, पहले भी आ रहा था क्लियर। नहीं नहीं अभी मैं थोड़ा अंदर था इसीलिए। बोलिए सर जी। एक्चुअली मैं तो नोक्ता और फिशर का तो आपको कौन बोला है क्या बोल के बोला है सर? वो बोला कि आप वो ऑल ओवर इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी से सब लोग माल लेके बेचते हैं। सब लोग का मतलब? आपको भी बताया उसने ना एशियन डिटेक्टर करके हैदराबाद तेलंगाना के हैं, और नीरज जी को बताया, संजय पासी को बताया, ऐसे करके कितने लोगों का नाम उसने बताया। तो आप लोग उसके पास से माल लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सेल करते हैं। सर डिटेक्टर इंडिया तो आज नहीं है, कोई भी आंग भी ओपन नहीं करा है, कम से कम वो 12 साल से बिजनेस कर रहा है। एशियन डिटेक्टर तो आज नहीं है, एशियन डिटेक्टर कम से कम 10 साल से बिजनेस कर रहा है। तो अभी संजय जी लूप टेक्नो, वो भी बहुत पुराना है दिल्ली में, आज या कल नहीं आया। तो आपको उसने बोल दिया, हम लोग उसके से खरीदते। जी बिल्कुल यही बोला, अभी शाम को इवनिंग टाइम में हमारी उसकी जो है बात हुई तो उनने यही बताया। हम जो है उससे बातें कर रहे थे क्योंकि एक हमारे इधर का लोकल फ्रेंड उसे इक्विपमेंट लिया है 65,000 का, तो उनने हमारा एड्रेस दिया तो हमने कहा लो बात करके देखते हैं। तो हम इसे ऐसे बात कर रहा था। सर अभी आप नीरज जी से जियो हंटर लिए थे ना, तब जो भी आप ये कंपनी से आप बोल रहे कि, और जो आप अभी एक का नाम बोला है, ये पूरा है क्या? तब 1.5 साल पहले नाम सुने आप जब जियो हंटर मेटल डिटेक्टर लिया है 1.5 या 2 साल पहले नीरज जी से, तब आपने बोल रहा है कि कोई बंदा ये लोग तब है क्या? आप उनका नाम सुने क्या? नहीं नहीं तब नहीं थी। तो आप सोच लीजिए कौन कब से है। हम तो आज नहीं आए कल नहीं आया, तो है सर बहुत पुराना सा है जी। मेटल डिटेक्टर तो आराम से कोई भी मेटल रहा तो कोई कुछ वस्तु रहा तो आवाज तो आ जाता है। जी जी वो 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 भाई साहब मेरी बात सुनिए सर। हाँ सर वो हमसे ये भी कह रहा था कि ये जियो हंटर बेकार होता है, इस पे लोग खरीदते हैं उनको सक्सेस नहीं होता। हमने कहा भैया हम कई जगह गए, हम सक्सेस भी मिला भी, ऐसा नहीं है कि आप जैसे बता रहे हो कह रहे ये 5-4 फुट से ज्यादा वो नहीं देता जो है डेप्थ की वो नहीं बताता है। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत बुराइयां करी हमको जियो हंटर के विषय में। सर क्या बोलूं सर, हम तो इतना मशीन भेजे जियो हंटर का, बहुत लोग सेटिस्फाइड है, उसका प्राइस भी ज्यादा है। अगर इंडिया में ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है जो बड़ी प्राइस में प्रोफेशनल डिटेक्टर में जियो हंटर है, तो उसने ऐसा बोल दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। यानी आप तो रेगुलर आप तो यूजर है, तो आपको कैसे लगा है? आप जियो हंटर को यूज कर? हमें तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ये तो रियल फीडबैक है, सच्ची बोल रहा हूँ। मैं भी एक कस्टमर था जियो हंटर, जितना अच्छा प्रोडक्ट है वो बढ़िया सा प्रोडक्ट है, मगर ये प्रोडक्ट को कम करने के लिए, यानी ये छोटी छोटी सेगमेंट में जो मेटल डिटेक्टर आजकल आ रहा है
कम प्राइस में, वो लोग उसको प्रोडक्ट को लेके आने के लिए इसको बुराई कर रहा है। आपको मालूम है जितना कॉइल बड़ा है उतना ज्यादा डेप्थ आता है। जी बिल्कुल। तो इनको जीरो नॉलेज है थोड़े जनों को, वो सोचते हैं कि उसको 10% मालूम रहा तो मुझे पूरा 100% मालूम जैसा बिहेव करते हैं। उनके बारे में अपन कमेंट करके भी वैसे अपना टाइम भी वेस्ट कर लेना। जी जी या तो वही रहता है सर, अपन क्या करेंगे। एक्चुअली नीरज जी तो बात होता है मेरे से, उसे वो भी बोलता है कि सर क्या करें। चलो होता है ऐसी, जो जो अच्छा काम के लिए जो भी खरीदने के लिए जाते ऐसे लोग रहते हैं उसको गलत करने के लिए। अब देखिए मैं तो जितना छोटे सेगमेंट में मेटल डिटेक्टर दिया हूँ वो तो खाली लगभग बहुत डेप्थ कम है। जियो हंटर प्रोफेशनल डिटेक्टर है, ज्यादा डीप जाता है। आप भी यूज कर रहे है, आप भी बोल रहे हैं कि वो तो बढ़िया मशीन। यही है सर। ये वीडियो में उनका कंपनी का नाम और उनका नाम नहीं आना है करके हम म्यूट कर दिए हैं। इंडिया में एशियन डिटेक्टर किसी कने से मेटल डिटेक्टर नहीं खरीदता है, डायरेक्ट हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट कंपनी से मेटल डिटेक्टर यहाँ पर इंपोर्ट करके या इंडिया में हम बेचते हैं। अगर एशियन डिटेक्टर के बारे में कोई आपको बुरा बोला है तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9010548894।